Hello friends and welcome back to the English Club. And today we are going to have the topic analysis of sentences. And under analysis of sentences, we are going to identify the clauses. So there is a sentence and the sentence is taken from Indian civilization and culture. That is the autobiography. That is a part of his famous autobiography. And the person whom I talking about is the father of the nation, whom we called simply Mahatma Gandhi. और उनकी बायोग्राफी से ये लिया गया। बायोग्राफी का नाम आप यदि आपको नहीं पता है तो सुनिए, इनका नाम है क्या है, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। यानी ट्रूथ के साथ हमारा क्या एक्सपेरिमेंट है। उन्हीं में से एक सेंटेंस में उठाकर लेकर आया हूँ कि कहता है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर का नाम ही है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो ये आखिर सिविलाइजेशन होता क्या है, ठीक है ना, ये सवाल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो आइए हमारे एंड में चौक पे है कुछ पीसेस और देखिए गौर से। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू द पाथ ऑफ ड्यूटी। यानी सिविलाइजेशन एक मोड होता है, आपने पढ़ा है मोड, मोड ऑफ व्हाट, ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट या मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ कम्युनिकेशन। क्या होता है मोड का मतलब, एक माध्यम, एक रास्ता, एक तरीका। तो सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, और कंडक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, बिहेवियर, कंडक्ट। अगर कंडक्ट जो है बहुत अच्छा, आप अच्छे से कंडक्ट करते हो, अच्छे से बिहेव करते हो, तो सिविलाइजेशन वही मोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है ना, वो माध्यम है, तरीका है कंडक्ट करने का, बिहेव करने का। और कैसा कंडक्ट है जी, तो विच पॉइंट्स आउट, और ये जो कंडक्ट मेरा नाउन है, इसी नाम को क्या कर रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज में मेंशन कर रहा है विच पॉइंट्स आउट, जो कि विच मेरा कंजंक्शन है, और ये हमारा क्या बन गया, फाइनाइट वर्ब। विच पॉइंट्स आउट, जो आउट टू मैन, जो एक आदमी को इंगित करता है, कौन वह कंडक्ट, और यह कंडक्ट कौन है, सिविलाइजेशन। एक मोड ऑफ कंडक्ट है, कंडक्ट बिहेवियर करने का एक तरीका, एक अवस्था, एक माध्यम है, और वह जो ऐसी कंडक्ट है जो एक आदमी को इंडिकेट करता है, इंगित करता है द पाथ ऑफ ड्यूटी, कि भाई आपका कर्तव्य का रास्ता कैसा है, आप अपने कर्तव्य के मार्ग पर चलिए, और ऐसा कंडक्ट करने वाला ही कहलाता है सिविलाइजेशन। Which points out to man the path of duty, जो व्यक्ति को अपने कर्तव्य के, अपने कर्तव्य के निर्वहन को क्या करता है, इंडिकेट करता है। तो ये सेंटेंस आपने देखा कि जो सिविलाइजेशन है हमारा, अब देखो तो सिविलाइजेशन यानी कि क्या हुआ, ये मेरा सब्जेक्ट फर्स्ट है, सिविलाइजेशन इज, यहाँ पर दैट को कंजंक्शन नहीं समझा दोस्तों, ये डिटरमाइनर है, क्योंकि इस मोड नाउन के पहले इस्तेमाल हुआ है, इसलिए डिटरमाइनर है। कंजंक्शन सर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कंजंक्शन के डिफिनीशन से हम लोग जानते हैं कि दैट इज यूज्ड फॉर जॉइनिंग टू वर्ड्स, सेंटेंसेस और फ्रेजेस। तो यहाँ पर कोई ज्वाइन कर रहा है नहीं, यानी इज हमारा फाइनाइट वर्ब एफ वी वन हो गया, और द सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, ये पूरा जो हो गया मेरा प्रिंसिपल क्लॉज है। तो प्रिंसिपल क्लॉज है, तो इसका सब्जेक्ट है, इसका फाइनल वर्ब, और विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, इसमें विच मेरा एस1 है, और पॉइंट्स जो V5 है, इंडिकेट करना, पॉइंट करता, इंगित करना, ये मेरा एफ2 है, यानी डबल क्लॉजेज हो गए। तो अब हम लोग चलो आइडेंटिफाई करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस एज पर मीनिंग, बताओ। अब चूंकि सब्जेक्ट के बाद है फाइनाइट वर्ब, तो क्या हो गया, क्लियर है, yes, और उसके बाद चूंकि हमारा इधर से पीसी है, और ये बताओ बीच कैसा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग, टेन क्वेश्चन के तहत है, नो, यानी कोऑर्डिनेटिंग का चांसेस गए, ये हमारा क्या बन गया, एससी, एससी, तो पीसी और एससी का कॉम्बिनेशन, बहुत बढ़िया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्लियर, किसी को दिक्कत है, ये सेंटेंस आप इसको नोट कर सकते हो। चलिए चलिए, तो एक अगले सेंटेंस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं, ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी, कहते हैं महात्मा गांधी सेम चैप्टर से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में, कि एक जो व्यक्ति है भाई,
वो हैप्पी है, लेकिन यह नेसेसरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि मैन इज नेसेसरली हैप्पी, कि एक व्यक्ति अवश्य रूप से वो खुश होगा, बिकॉज ही इज रिच. यदि वह अमीर है तो कोई व्यक्ति खुश होगा इसकी मैं वारंटी नहीं दे सकता हूं, इसकी कोई नेसेसिटी नहीं है, इट्स नॉट. और अनहैप्पी, और एक आदमी ना खुश होगा बिकॉज ही इज पुअर. यदि कोई व्यक्ति अमीर है तो खुश होगा, कोई व्यक्ति गरीब है तो ना खुश होगा, उदास होगा, इसकी कोई वारंटी नहीं है. आइए सेंटेंस पर बात करते हैं. ए मैन, ये तो बिल्कुल आपने पहचाना सही, ये समझ. एज F1 नॉट एडवर्ब है नेसेसरली, वन सेकेंड एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब, ये भी एडवर्ब, और हैप्पी मेरा क्या है, एडजेक्टिव. बिकॉज सबको पता है कंजंक्शन है, कैसा कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग. ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होने वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज. So because he is rich, इसमें भी subject finite verb दिखाई दे रहा है आपको. He is S1 S2 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 is क्या हो गया? Finite verb second. A man is not necessarily happy. एक व्यक्ति निश्चित तौर पर आवश्यक रूप से खुश नहीं होगा जी, क्योंकि he is rich, यदि वो अमीर है तो. A man is not necessarily unhappy. और unhappy जो है, ये जो हमारा सीसी है, yes, क्या है सीसी, तो फिर इसका सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब कौन है? बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी, मिल तेल खा रहा है, अरे कॉम्बिनेशन खा रहा है, नहीं ना. ए मैन बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी, कहां रिच और हैप्पी हो रहा. ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी, और ए मैन इज नॉट नेसेसरली अनहैप्पी. यानी यहां से और ये जो कॉलम है, यहां से कितना कॉलम लिया गया. चल मैथ देखो, मैथ पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ते हैं ए बी प्लस बी सी, ठीक है. तो हम लोग बी को कॉमन कर लेंगे, हो जाएगा ए प्लस सी, ठीक है, होगा. यस, अब देखो, तो ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी और ए मैन इज नॉट नेसेसरली अनहैप्पी. कोई व्यक्ति निश्चित तौर पर ना वह खुश होगा यदि वह अमीर है तो, और निश्चित तौर पर वह ना खुश होगा मन उदास होगा यदि वह क्या है, गरीब. यानी कौन सेंटेंस यहाँ पर कॉमन है, जल्दी से बताओ. और के बाद क्या है, ए मैन इज नॉट अननेसेसरली हैप्पी. तो जो एस वन है यही यहाँ पर छुपा हुआ है, ये बन गया एस टू, सॉरी एस टू तो हो चुका है, एस थ्री, यही क्या है, एस थ्री. और फिर से फाइनाइट वर्ब क्या हो गया, फिर से. और के बाद क्या है, और ए मैन इज नॉट नेसेसरली अनहैप्पी. यहाँ पर क्या छिपा हुआ है, बक्सा में कितना चीज मेंशन होगा, ए मैन इज नॉट नेसेसरली अनहैप्पी. और वह व्यक्ति ना खुश नहीं होगा निश्चित तौर पर, बिकॉज ही इज, फिर बिकॉज यहाँ पर हमारा क्या है, कंजंक्शन. कैसा कंजंक्शन है, बिल्कुल करेक्ट है आपका जवाब, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. तो और ही हमारा कहां तक पहुंच चुके हैं, स्त्री तक, कहां तक हो गया, ए फोर. ये क्या हो गया, फोर. अब बिकॉज से शुरू होने वाला पूरा क्लॉजेस एस सी, एस सी. हाउ मेनी क्लॉजेस आर देयर इन दिस सेंटेंस, थ्री. बोलो थ्री, कितने क्लॉजेस हो गए, थ्री. चलिए, अ स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल क्लॉज, जिगजैग लाइन सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, जिगजैग पर क्रॉसिंग सी सी, और जिगजैग पर कटिंग एस से. बताओ टाइप्स ऑफ सेंटेंस एज पर मीनिंग, स्टेटमेंट. वेरी नाइस. रीजन, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट के बाद क्यों होगा सब्जेक्ट, स्टेटमेंट, क्योंकि सर सब्जेक्ट के बाद फाइनाइट वर्ब है, और अंत में भी तो दिखाई दे रहा है सर, फुल स्टॉप. फुल स्टॉप क्या हो गया, स्टेटमेंट. दिक्कत है जी, नहीं सर. अब बताओ पी सी ए सी 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 क्या हो गया, ये गारंटी नहीं दोस्तों, मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर कितने मिक्स होगा. पी सी सी एक सेंटेंस में एक ही होगा, इनफाइनाइट सी सी हो सकता है, इनफाइनाइट अनंत हमारा एससी हो सकता है, इसकी कोई सर्टेन नहीं है. तो हम उम्मीद करते हैं ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस को आपने आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया.
टोटल फोर सेंटेंसेस, फोर सेंटेंसेस सर, अर्थात फोर क्लॉजेस हम कहेंगे सेंटेंसेस में, अगर फोर क्लॉजेस तो फोर क्लॉजेस है तो फोर फाइनाइट वर्ब और फोर सब्जेक्ट्स, यही हमारा क्या हो गया टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पर मीनिंग में मिक्स। तो आपको समझ में आया उम्मीद करते हैं। विच के जहां यस टू ना, कहां पर विच विच ऊपर ऊपर सिविलाइजेशन इज दैट सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच विच वहां सर फर्स्ट सेंटेंस में वहां विच यहां पर। अच्छा हां चलो यहां पर पूर्व वाले सेंटेंस हमारे बच्चों का करना सर यस टू होगा, ठीक है बिल्कुल सही आपने पहचाना। तो ये चीज हमारा है एनालिसिस, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हो। थैंक यू, नहीं समझ में आया तो फिर बार बार जैसा मैं करता हूँ फिर से देखिए सुनिए और आप समझ सकते हैं। चलिए थैंक यू।